कहते हैं कि बम से बेहतर तो जूते हैं ना, कि अब वो फेंके। पूजा प्रयास कर रही है कि वो एक मिडिल ईस्ट टेक्निकल क्रू के साथ में, वहाँ के कलाकारों के साथ एक ऐसी फिल्म बनाए जो इस कहानी का सार पेश करे। लोग कहते हैं कि ये कि जख्म बनाइए मगर जाके देखते हैं जिस्म। द पॉइंट इज कि हमने तो एक ही फैसला किया है कि वी वांट टू अटैच आवरसेल्फ टू पीपल हु आर ऑडेशियस, चाहे वो सनी लियोनी हो या वो मुद्दतार जायद साहब हो। इस बात को कहते हुए बहुत गर्व का एहसास होता है कि यह हमारा ही मुल्क है जहाँ पर लास्ट सैल्यूट जैसा प्ले हम स्टेज कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पुरखों ने बहुत कुछ अपना खोया है, दाव पे लगाया है। पड़ोस के मुल्क में आप सोच ही नहीं सकते कि ये प्ले आप कर सक पाएंगे कभी। मिडिल ईस्ट के जो मुल्क है जहाँ पर लोग इस इमोशन से आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ भी आप ये प्ले नहीं कर पाएंगे। तो वाकई भारत के पास, हिंदुस्तान के पास वो जागीर है जो विश्व में किसी के पास है नहीं, वो हमारी आज़ादी। पूजा प्रयास कर रही है कि वो एक मिडिल ईस्ट टेक्निकल क्रू के साथ में, वहाँ के कलाकारों के साथ एक ऐसी फिल्म बनाए जो इस कहानी का सार पेश करे। प्रिंसिपल में उनका जो किताब है उसे ऑप्शन किया है, टेलिंग हिम दैट वी वांट टू डेवलप इट इनटू अ स्क्रीन प्ले। जैसे आपको पता है कि इस दौर में कुछ अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है, एंड अगर आप ऐसी फिल्म बना रहे हैं जहाँ पे जो एक एंटी बुश स्टेटमेंट ले रही है, तो शायद उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन का शायद नेटवर्क मिले नहीं। तो अगर ऐसी फिल्म बनेगी तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट्स मेड फॉर एन इंटरनेशनल ऑडियंस। ये सिर्फ हम एक हिंदी फिल्म वर्ल्ड के लिए उस रियलिटी में नहीं बना सकते हैं। हिंदी फिल्मों की एक अलग रियलिटी होती है, एंड दिस हैज़ टू बी ऑथेंटिक, इट हैज़ टू बी बेस्ड इन दैट रीजन, इट हैज़ टू बी इन अ लैंग्वेज जो उनकी जबान है। तो आई थिंक कि उसके लिए एक इंटरनेशनल ऑडियंस को अगर आप एक फिल्म पिच करने वाले हैं तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स पहले अगर आप उसे प्रिपेयर करते तो दैट इज़ अ लिटिल बिट सेफर। सो वी हैव ऑप्शनड इट एंड वी वुड लाइक टू डेवलप इट इनटू स्क्रीन प्ले। उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है वो वी नो, बट वी आर वर्किंग ऑन दैट। लोग कहते हैं कि ये कि जख्म बनाइए मगर जाके देखते हैं जिस्म। द पॉइंट इज कि हमने तो एक ही फैसला किया है कि वी वांट टू अटैच आवरसेल्फ टू पीपल हु आर ऑडेशियस, चाहे वो सनी लियोनी हो या वो मुद्दतार जायद साहब हो। पीपल हु वॉक देयर टॉक एंड पीपल हु डेयर टू स्टिक देयर नेक्स आउट एंड लिव लाइफ ऑन देयर ओन टर्म्स। सो दैट्स व्हाट वी हियर टू सपोर्ट। इसे हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते हैं बिकॉज लोग सोचते हैं कि अनार्किस्ट काइंड ऑफ मूवमेंट, बट यू गोना से दैट एवरीबॉडी गोना पिक अप अ शू एंड अचीव दैट। बट ये जो सिचुएशन है इज समथिंग दैट यू कांट सिंपलीफाई बाय सेइंग दैट डज इट जस्ट कम डाउन टू दैट। बट आई थिंक दैट इवेंचुअली वो कहते हैं कि बम से बेहतर तो जूते हैं ना, कि अब वो फेंकें। So I think eventually you can't kind of take away from that. It's too serious a matter. You can't look at what's happening in India and somebody hurling a shoe at somebody at a press conference and compare it with this. So it's different. जब ये हादसा हुआ था तभी मुझे मालूम पड़ा और उसके बाद YouTube में मैंने देखा और काफ़ी बार ये न्यूज़ में ये पेश किया गया। जैसे शो में उन लोगों ने कहा कि पीपल थॉट ही वॉज वेरी ब्रेव, और मुझे भी लगा कि एक ऐसा आदमी काफ़ी ब्रेव है टू स्टैंड अप एंड थ्रो अ शू एट जॉर्ज बुश इज़ फैंटास्टिक एंड इज़ वेरी ब्रेव एंड ही वॉन्टेड टू क्रिएट टू मेक अ पॉइंट और उसने किया। उस सब्जेक्ट के बारे में मुझे शायद पता नहीं था इतना जितना आज इतने एलैबोरेट किया गया उस चीज़ को। उसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से हमने न्यूज़ चैनल पे देखा था और उस पर शायद उस टाइम पर इतना ध्यान भी नहीं दिया गया था कि कैसे हुआ क्या हुआ। आज यहाँ पर मंच पर देखने मिला, बहुत अच्छा लगा। आज मुझे समझ आ गई, अब मैं बस जब बाहर जाऊँगा मुझे इस एपिसोड के बारे में पूछा जाएगा तो आई एम श्योर मैं बता पाऊँगा कि कैसे हुआ था क्या हुआ था और किस हिसाब से हुआ था।